सवाल यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर न सिर्फ लेफ्ट पार्टियां बल्कि आप देख ही रहे हैं सचिन जी भी कांग्रेस पार्टी भी जमकर आप पर बरस रही है, सेल ही सेल, और सेल ही सेल एक ऐसे वक्त पर जब माना जा रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, डिस्ट्रेस सेल की तरह इसे देखा जा रहा है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई थी? ये डिसइन्वेस्टमेंट एक मजबूरी थी क्या? और दूसरी बात, एयर इंडिया हो सर, भारत पेट्रो हो, अभी तक उसी का डिसइन्वेस्टमेंट जो पिछली बार आपका टारगेट था उसमें आप 20,000 करोड़ बेच पाए, आपने टारगेट सेट किया था 2.1 लाख करोड़ का, अब आपने फिर ऐसा ही एक टारगेट सेट कर लिया है, खरीदेगा कौन? डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा अंजना जी हम लोग अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां अभी सरकार के पास हैं अगर वो निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी तो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा, उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, और वो हम लोगों ने हर क्षेत्र में देखा है जब ये परिवर्तन आया है, टेलीकॉम में देख लीजिए, एविएशन में देख लीजिए, बैंकिंग में देख लीजिए, जहाँ जहाँ कंपनियाँ प्राइवेट सेक्टर में हैं वहाँ निवेश भी ज़्यादा आता है, रोजगार भी होता है और बड़े एफिशिएंसी वो सेक्टर आगे बढ़ता है। तो इससे डिसइन्वेस्टमेंट से हम लोग अर्थव्यवस्था को और ताकत दे रहे हैं, ये इसका मकसद है, ये लक्ष्य है इसका। साथ साथ आपको मालूम ही है, और जैसे अभी सचिन जी ने कहा भी, पिछले साल कोरोना महामारी का समय था और इस कारण डिसइन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था, क्योंकि सब शेयर बाज़ार वगैरह में मंदी आई हुई थी। अब वो परिवर्तित हो गए हैं, सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए अब समय अनुकूल है जब हम लोग इस प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कंपनियां जो हैं और भी बेहतर होंगी और हमें और बेहतर सेवाएं देंगी, और जो हम लोगों को इसके द्वारा जो रियलाइजेशन आएगा, जो हमें इसके द्वारा पूंजी मिलेगी, वो पूंजी हम लोग अपने किसानों को, अपने गृहिणी को, अपने युवाओं को दे सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकते हैं, और वहाँ और लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विचारधारा और सिद्धांतों की बात आ जाती है, जहाँ कांग्रेस में जो हमारे साथी हैं वो हरदम कहते हैं कि आप पैसे दीजिए, हमने पैसे दिए भी हैं, आपको मालूम है कि जनधन खाते के द्वारा और किसान सम्मान निधि के द्वारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने इस कोरोना महामारी के दरमियान हम लोगों ने दिया है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि प्रभावशाली सिर्फ पैसे देने से कोई नीति नहीं बनती है, लेकिन प्रभावशाली नीति तब बनती है जब हम रोजगार देते हैं लोगों को, जब अच्छे जब नौकरियां मिलती हैं, उनकी कमाई बढ़ती है, उनके स्किल्स बढ़ते हैं, तब हम लोग भविष्य के लिए अपने देश को और हम लोग आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांतों का एक ये बहस है, क्योंकि उनकी तरफ से ये लोग सिर्फ पैसे खर्च करना जानते हैं, हम लोग जो हैं, जो हम लोग इनको रोजगार भी देना जानते हैं और अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त और मजबूत भी बनाना जानते हैं, और वो हम लोगों ने किया भी है। ठीक है, ठीक है, किसानों के मुद्दे पर भी और ये जो कृषि सेस आपने लगाया है उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस एक एक टॉपिक पर हम लोग पहले काउंटर क्वेश्चंस एक दूसरे से कर लें फिर आगे बढ़े। तो डिसइन्वेस्टमेंट पर ही वापस आते हुए सचिन पायलट जी, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी लेकर आई डिसइन्वेस्टमेंट, और हिंदुस्तान में ऐसी तमाम PSUs हैं जिन पर टैक्सपेयर का पैसा लगता है और वो बर्बाद होता है। तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं और कांग्रेस भी करती रही विनिवेश, बीजेपी तो लेकर आई नहीं है इंडिया में। '91 का जो बजट था अंजना जी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइज किया, और मैंने शुरू में कहा कि फ़र्क समझना पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और निजीकरण क्या है। एक तरफ आपने जो पॉलिटिकल स्टैंड था बीजेपी का जब विपक्ष में थे तो बड़ा स्पष्ट था कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर नाना प्रकार के आरोप हमारे पर लगाए। अब जब अर्थव्यवस्था कमजोर है, जब हमारा जो हमारी फैमिली ज्वेलरी है, जो हमारा सबसे बड़ी संपत्ति जनता की, उसको इस प्रकार आप टारगेट सेट कर रहे हैं और फिर बेच नहीं पा रहे हैं, इससे कमजोरी दिखती है। और मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन उस पैसे का जो आप जैसे सेना जी ने कहा कि पैसा जो आएगा वो खर्च कहाँ पे हो रहा है, आपने 2 लाख करोड़ रुपए तो अभी बोरो किया है, 9.5% आपका फिस्कल डेफिसिट है जो ऐतिहासिक है, पिछले 30 साल में कभी इतना डेफिसिट आया नहीं, और ये बोलना कि सिर्फ कोरोना की वजह से पेंडेमिक था इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि इस भाई बजट तो हर साल आता है, इस साल विशेष इसलिए क्योंकि लोग उम्मीद करते थे अगर कठिन समय में आप अपने कार्यकुशलता नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका फिर, और ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई दबाव किसी का नहीं है, मनमाना अपना कर रहे हैं, जैसा नोटबंदी हो, GST हो, मनमानी करते हैं, इसमें क्यों नहीं मनमानी करते हैं? आप बोलिए कि हर किसान को हम देंगे, हर जो हमारा मध्यम वर्ग उसको मदद करेंगे, इस पूरे बजट में सिर्फ रेल, एयरपोर्ट, रोडवेज, ऑयल कंपनीज, PSUs, एयरलाइंस, कैसे हम जल्दी बेचें इसको, इसमें लगा हुआ है। आपने
जो डिविडेंड है वो ले रखा है, आपने आरबीआई से एडवांस ले रखा है, तो पूरी अर्थव्यवस्था का इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं आया है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम इज नॉट द आंसर।